फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी को उनके शौहर कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर 3 तलाक दे दिया था। बाद में पछतावा होने पर उन्होंने फिर से मीना कुमारी से निकाह करना चाहा। तब इस्लामी धर्मगुरुओं ने बताया कि पहले इसके लिए मीना कुमारी का हलाला करना पड़ेगा। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की शादी अपने एक दोस्त अमानुल्लाह खान से, जो कि अभिनेत्री जीना तवान के पिता थे, उनसे कर दी। मीना कुमारी को अपने नए शौहर के साथ हमबिस्तर होना पड़ा। फिर इद्दत यानी मासिक आने के बाद उन्होंने अपने नए शौहर को तलाक देकर पुराने शौहर कमाल अमरोही से दोबारा निकाह किया। मीना कुमारी ने लिखा था, जब मुझे धर्म के नाम पर अपने जिस्म को किसी दूसरे मर्द को सौंपना पड़ा तो मुझमें और एक वेश्या में क्या फ़र्क है। अब तक सुनी इस बात से आपको पीड़ा हुई होगी। आपको हिंदुस्तानी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की हालत पर तरस आया होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जुल्मत और बेशर्मी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभिनेत्री के साथ होना बिल्कुल तकलीफदेह है। पर जो भी अभी तक आपने सुना वो सब कुछ झूठ है। ये सोशल मीडिया पर किसी मानसिक गरीबी से घिरे किसी उन्मादी का एक पोस्ट है। कितनी सफाई से उसने ये करके दिखाया, क्योंकि इस्लाम में हलाला एक प्रथा रही तो है, इसलिए मानना आसान हो जाता है। आप में से कितने ही लोगों ने मीना कुमारी के बारे में डाली गई इस तरह की पोस्ट को सच माना है, है ना? खैर, आज कहानी मीना कुमारी की शादीशुदा जिंदगी की, तलाक और हलाला से जुड़े सवालों की। अगर आपको दर्द का कोई पर्यायवाची शब्द ना मिले तो आप बेहिचक मीना कुमारी कह दीजिए। हिंदुस्तान में आपका यह उत्तर बड़े अदब से स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि दर्द और मीना कुमारी एक ही हैं। बचपन से लेकर जवानी तक मीना ने जहां एक तरफ शोहरत कमाई, वहीं उनकी निजी जिंदगी में प्रेम का अभाव रहा। पैदा होते ही उनके पिता ने उन्हें अनाथालय में लावारिस छोड़ दिया, पर कुछ देर बाद ही उनका जमीर जागा और वो उन्हें वापस ले आए। बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपनी गुर्बत में एक्टिंग की शुरुआत की और फिर कभी उनके यहाँ फाके नहीं हुए। वो शोहरत और पैसा कमाते चली गई, पर तमाम बाहरी चीज़ों के बावजूद हमें प्रेम के बिना जीना नहीं आता। वो डायरेक्टर कमाल अमरोही के प्यार में पड़ी और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने 15 साल बड़े कमाल अमरोही से शादी कर ली। कमाल कमाल के डायरेक्टर रहे, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दकियानूसी भी थी। उम्र के गहरे अंतर वाली शादी की रुमानियत जल्द खत्म होती गई और कमाल अमरोही उम्र की स्वच्छंदता अल्हड़पन की दहलीज पर ही मीना कुमारी पर बंदिशें लगाने के आदि हो गए। वो प्रौढ़ अनुभवों की उम्र में पहुंच रहे थे, वहीं मीना कुमारी अभी यौवन के पहले आयाम पर थी। ऐसे में रिश्ते का ये कचखड़ा असहमति की धूप से तड़कने लगा। कमाल अमरोही ने सुपरस्टार मीना कुमारी पर पति बनकर कुछ बंदिशें लगाई, जैसे कि उनके मेकअप रूम में किसी भी पुरुष का प्रवेश ना हो, वो अपनी कार से ही काम पर जाएं और शाम तक तय वक्त पर अपने घर पहुंच जाएं। पर स्वच्छंदता पर रोक लगाना मतलब किसी को उसी आज़ादी के लिए आतुर कर देने के बराबर है। 1964 में मीना कुमारी की एक फिल्म बन रही थी, नाम था पिंजड़े के पंछी। मीना कुमारी की हालत भी फिल्म के टाइटल जैसी ही हो चुकी थी। मीना की जिंदगी के दर्द ने उन्हें एक साथी दे दिया, वो थी उनकी कलम। दर्द और कलम से उपजी चीज का नाम ही शायरी है। मीना कुमारी शायरा हो गई थी और नाच के तखल्लुस से शायरी भी करने लगी थी, वो उम्दा शायरा थी। मीना कुमारी के मेकअप रूम में गुलजार के प्रवेश से नाराज होकर कमाल अमरोही के साथी और उनके असिस्टेंट बकर अली ने मीना कुमारी को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। मीना कुमारी जानती थी कि बिना कमाल अमरोही की शय के बकर अली इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। मीना कुमारी सीधी सेट से जाने माने एक्टर महमूद के घर चली गई, जो रिश्ते में उनके जीजा थे। मीना कुमारी महमूद की पत्नी और अपनी बहन मधु, जो कि खुद एक एक्टर थी, उनके साथ ही वहाँ पर रहने लगी। इधर इससे बौखलाए कमाल अमरोही ने हर जतन किया कि वो मीना कुमारी से मिल सकें, लेकिन मीना उनसे नहीं मिली, ना ही कमाल के पास वो कभी वापस लौटी। हालांकि मीना कुमारी को भी अपने साथ इस तरह से किए गए बर्ताव के लिए कमाल अमरोही से उम्र भर शिकायत रही, ना ही वो मानी। वो इस कदर आहत हुई कि उन्होंने नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी थी। उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो डिप्रेशन की गोलियां ना खाकर शराब को बीटा ब्लॉकर की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और रोज़ थोड़ी सी ब्रांडी पी सकती हैं ताकि उन्हें नींद आ सके।
मीना ने डॉक्टर की सलाह मानकर ब्रैंडी पीना शुरू कर दी, पर वो अवसाद में इसकी मात्रा बढ़ाती चली गई। मीना कुमारी पर लिखी गई उनकी बायोग्राफी मैन हु लव्ड एंड लेफ्ट मीना कुमारी के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद ने मीना कुमारी के तलाक और हलाला की घटना का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं उनका कमाल से तलाक हुआ, ना ही हलाला ने कहा। इन तमाम झूठी खबरों को खारिज करते हुए इतिहासकार और लेखक राणा शफवी ने ट्विटर पर इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही एक शिया मुसलमान थे और शिया मुसलमानों में हलाला निकाह की कोई प्रथा नहीं होती। ज़्यादा शराब की लत ने कमाल अमरोही से अलग होने के कुछ सालों के भीतर ही मीना कुमारी को बीमार कर दिया। उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था और 31 मार्च 1972 को ट्रेजरी क्वीन मीना कुमारी दुनिया से चली गई। हाँ, वो अपनी लिखी तमाम शायरियों की डायरी लेखक गुलजार के हवाले कर गई। क्या था उस डायरी में, अगले एपिसोड में बताएंगे। फेक न्यूज़ लोगों की ज़िंदगी और प्रतिष्ठा को अपने स्वार्थ और दुर्भावनाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे में आपको अच्छा और सच्चा देखना हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ये सेगमेंट जो किस्से कहानी वाला हमारा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं, इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.